हाय व्यूअर्स, मैं जया आप लोगों के लिए आज एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। वो है जीएसटीआर 2बी जो होता है वो होता है GSTR 1, GSTR 5, GSTR 6 का कंपाइल डेटा होता है, और GSTR 3बी में वो रिफ्लेक्ट होता है। जब आप टैक्स की इनपुट लेना चाहते हो, टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो, तो वो डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है 3बी में। आप 3बी का डेटा चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो डेटा आपको दिखा रहा है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, वो आप वहां से ठीक कर सकते हो, अपने खुद से चेंज कर सकते हो। पहले बात तो GST, आपको चार पांच बातें याद रखनी पड़ेगी। GSTR 2B जो होता है वो मंथली होता है, उसका साइकिल चलता है 11 से 12 तक का, और हर मंथ आपका 12 तारीख को उसकी डेटा ऑटोमेटिक आपके पोर्टल पे दिख जाता है। और GSTR 2B का डेटा आपका डुप्लीकेशन नहीं होता है, उसमें आप मंथली बेसिस में डेटा उसमें से ले सकते हैं और वो फुल्ली करेक्ट होता है। और 2B का डेटा जो होता है, आप क्रेडिट के टाइम उसकी डेटा को फॉलो करके करेक्ट डेटा बना सकते हो। गवर्नमेंट इसीलिए 2B जो डेटा सिस्टम है उसको बनाएंगे। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।